हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल दीप्ति मिश्रा किचन में। और मैं हूँ दीप्ति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ किचन मेकओवर का वीडियो। तो जैसे कि फेस्टिवल पास में आने ही वाले हैं, तो मैंने अभी अपनी किचन का मेकओवर किया था, तो सोचा कि उसका वीडियो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मैंने बहुत ही कम खर्चे में और बजट में रहकर ही अपने किचन का मेकओवर किया है। तो अगर आप भी अपने किचन का मेकओवर करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा और हेल्पफुल भी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए गाइज, ये है मेरी किचन का प्लेटफॉर्म। तो ऊपर की तरफ आप देख ही सकते हैं कि दो कैबिनेट हैं और उनके बीच में एक खाली वॉल है। तो वॉल जो है, यहाँ पे मैंने कुछ लाइट लगा रखी थी वीडियो शूट के लिए, और अब उनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उनको निकाल दिया है। पर जो वॉल है वो देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा अभी गंदी भी है, और इसमें इस तरीके के दो छेद भी हो गए हैं। तो पेंट करने से पहले आपकी वॉल में अगर इस तरीके के छेद या कहीं पे भी टूटी हुई है वॉल, तो उसको पहले हमें वॉल पुट्टी से सही करना होता है, उसके बाद ही हम पेंट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जो बल्ब है उसके नीचे भी आप देख सकते हैं और ऊपर वॉल पे भी ये टूटा हुआ है, और यहाँ पे ये आरओ का कनेक्शन गया था तो सीलन की वजह से ये देखिए यहाँ पे भी सीमेंट निकल गया है। तो पहले हम सारी चीज़ों को वॉल पुट्टी से सही करेंगे और उसके बाद ही हम क्लीन करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको वॉल भी दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं ये वॉल कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। ये सिंक के पास वाली वॉल है, और तो इसी पे हम पेंट करेंगे आज पूरी किचन में। और यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से निशान काफ़ी ज़्यादा इस बॉल पे पड़ गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये गंदी हो गई है, तो इसका मेकओवर तो बनता ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉल पे एक छोटा सा स्टैंड भी लगा हुआ है, तो मैं ये सोच रही थी कि इसको भी निकाल देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस इस यहाँ पे घेरता है, तो इसको मैं निकाल दूंगी। और उसके साथ ही किचन के ये कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि ये बर्तन का जो स्टैंड रखा है, ये भी मेरे कॉर्नर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसको चाहिए होता है, तो मैं इसको भी वॉल पे फिट करूँगी। जो मेरी किचन है उसका प्लेटफॉर्म, उस पर काफ़ी स्पेस मिल जाएगा मुझे और चीज़ों को रखने के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं किचन का मेकओवर करूँगी और इससे मेरी जो किचन है वो काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। तो ये देखिए गाइस, जो स्टैंड लगा हुआ था छोटा सा, वो मैंने वॉल पे से निकाल दिया है, पर उसके बाद जो वॉल है उसमें कुछ छेद हो गए हैं। तो चलिए फिर पहले हम सारे छेद जहाँ पर हैं और टूटी हुई वॉल है उसको हम सही कर लेते हैं वॉल पुट्टी से। तो सबसे पहले जो वॉल पे मैंने जहाँ पे लाइट वाली जगह आपको दिखाई थी, वहाँ पे कुछ इस तरीके से हम वॉल पुट्टी लगा लेंगे। तो ये मैं जो वॉल पुट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बनी बनाई ही मार्केट में मिलती है डिब्बे में, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कौन सी वॉल पुट्टी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो कुछ इस तरीके से हम सारे जितने भी छेद हैं उनको हम इस तरीके से क्लीन कर लेंगे ताकि हमारी जो वॉल है वो अच्छी लगने लगे, और जब तक वॉल पुट्टी सूख नहीं जाती है तब तक हम उसके ऊपर पेंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो आरओ का कनेक्शन जहाँ से गया था ना, मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे भी मैंने वॉल पुट्टी लगा दी है, और स्टैंड हटाया था उसकी जगह पे भी मैंने वॉल पुट्टी को लगा दिया है। वॉल जो हैं उनको मैंने सही कर दिया है। तो अब पेंट करने की कर लेते हैं तैयारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा खाली कर दिया है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि पेंट जो है वो हमारे खाने की चीज़ों में या फिर बर्तनों पे गिरे, ताकि उससे हमें और भी ज़्यादा सफाई करनी पड़ जाती है। तो जितना हो सके आप पेंट करने से पहले अपनी किचन को खाली कर लें, मतलब जो भी सामान हटा सकते हैं वो हटा दें। और यहाँ पे देखिए, ये जो वॉल थी बीच में कैबिनेट के बीच में, तो उसके बीच में मैंने टाइल जो हैं उनके ऊपर न्यूज़पेपर लगा दिया है, ताकि हमारी जो वॉल है वो पेंट करते समय हमारे टाइल के ऊपर पेंट ना गिरे और हमारी टाइल ख़राब ना हो। तो इसके लिए मैंने
न्यूज़पेपर लगा दिया है और उसके बाद जो गैस है उसको मैंने गंदे कपड़े से कवर कर दिया है ताकि हमारी जो गैस है वो भी ख़राब नहीं हो। तो चलिए फिर अब हम पेंट कर लेते हैं। पेंट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने जिस वॉल पुट्टी का इस्तेमाल किया था वो इंडिगो की एक्रीलिक वॉल पुट्टी है जो कि इस तरीके के बॉक्स में आती है और ये जो है 1 kg 77 rupees का है, पर इसमें से मैंने बहुत ही कम इसका इस्तेमाल किया है। और अब हम जो पेंट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो भी इंडिगो का एक्रीलिक लेमिनेट पेंट है और ये 1 liter का लगभग 450 rupees का आता है। आप इसकी जगह कोई भी पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और उसके अलावा मैं किचन के कैबिनेट के अंदर भी पेंट करने जा रही हूँ। ये वर्जर कंपनी का हाई ग्लॉस इनेमल पेंट है जो कि सिर्फ वुड पे ही किया जाता है और ये जो बॉक्स है ना ये 500 ml का है, लगभग 152 rupees का मिलता है मार्केट में। तो सिर्फ इन 3 पेंट से आज हम किचन का मेकओवर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे हस्बैंड ने पेंट को रेडी कर दिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रोलर ले लिया है, इसकी मदद से पेंट करने में काफ़ी आसानी रहती है और काफ़ी अच्छे से पेंट भी हो जाता है। तो एक बार डिप करने के बाद हम एक्स्ट्रा पेंट हटा देंगे और कुछ इस तरीके से वॉल पे पेंट करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से रोल करते जाएंगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से पेंट भी कर देता है और काफ़ी जल्दी हो जाता है, मेहनत थोड़ी सी कम लगती है इसमें और ब्रश से थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं रोलर से ही पेंट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अपनी किचन का मेकओवर करने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही जब फेस्टिवल पे मैं अपनी किचन को डेकोरेट करती हूँ कुछ इस तरीके से, या किचन हो या घर हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो किस किस को इस तरीके से अपनी किचन या घर को फेस्टिवल पे सजाना पसंद है तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है या मैंने जिस तरीके से अपनी किचन का मेकओवर किया है आपको पसंद आया है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। तो कुछ इस तरीके से ही हम अपनी किचन की जितनी भी वॉल है उस पर पेंट कर लेंगे। किचन की सारी वॉल पे पेंट करने के बाद लगभग इनको रात भर के लिए छोड़ना होगा ताकि जो पेंट हमने अपनी वॉल पे किया है वो अच्छे से सूख जाए। तो ये देखिए गाइस, रात भर पेंट सूखने के बाद अब ये वॉल कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो पहले आपने देखा था ना इस पे कितने ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए थे और अब देखिए ये वॉल कितनी बढ़िया दिखने लगी है, एकदम साफ साफ। ये वाली वॉल अब देखने में कुछ इस तरीके से लग रही है और आई होप कि आपको ये कलर भी पसंद आया होगा। थोड़ा सा लाइट कलर है पर काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है। और इधर जो ये थोड़ी सी वॉल है जहाँ पे ये आरू का कनेक्शन था तो वहाँ पे भी पेंट कर दिया है और अब देखिए वॉल कितनी बढ़िया लग रही है। और टूटा जहाँ पे था, थोड़ा सा सीमेंट निकल गया था, वो भी पता नहीं चल रहा है। और ये देखिए ये जो कैबिनेट के बीच की वॉल है इसको भी पेंट कर दिया था और अब ये सूख गई है। और यहाँ पे जो आप देख सकते थे पहले 2 छेद जो थे वो भी अब बिल्कुल पता नहीं चल रहे हैं। तो वॉल कितनी प्यारी लग रही है। तो सूखने के बाद जो वॉल है वो कुछ इस तरीके से लग रही है। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पे मेरे बर्तन का स्टैंड रखा हुआ था जिसे मैंने हटा दिया है और उसको मैं सोच रही हूँ कि जो फिल्टर के पास में थोड़ी सी जगह आप देख सकते हैं वॉल पे यहाँ पे हैंग करवा दूँगी तो वो स्टैंड जो है वो यहाँ पे ठीक रहेगा। और जो ये यहाँ पे स्टैंड रखा हुआ था मेरे किचन प्लेटफॉर्म पे उस स्पेस का हम यूज़ किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे से चेंजेज आज मैं अपने किचन में कर रही हूँ। तो चलिए अब हम कैबिनेट की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरे किचन के कैबिनेट। मेरी किचन जो है वो मॉड्यूलर किचन नहीं है और उसके जो कैबिनेट को जिस तरीके से बने हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए, काफ़ी दिनों से इनमें पेंट नहीं हुआ है सामान रखने की वजह से। नीचे की तरफ देखिए अब
कितने ज़्यादा दाग लगे हुए हैं। तो मैंने जो वर्जर कंपनी का आपको इनेमल पेंट दिखाया था उससे मैं पेंट करूँगी। इसके अंदर कैबिनेट के अंदर पेंट करने के लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि रोलर से सही से पेंट नहीं हो पाएगा और ब्रश से ये काफ़ी अच्छे से पेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम पेंट कर लेंगे और उसके बाद जो है वो किचन के कैबिनेट भी काफ़ी अच्छे लगने लगेंगे। और इसी तरीके से गाइस किचन के जितने भी कैबिनेट हैं उन्हें मैं पेंट कर लूँगी ताकि वो देखने में सारे कैबिनेट अच्छे लगने लगें। और ये जो है ये किचन के कैबिनेट के बीच का पार्टीशन है जो कि निकल जाता है, तो उसको मैंने निकाल के अच्छे से पेंट किया है। और अब इनको हमें एक दिन के लिए छोड़ना होगा जिससे अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अब देखिए ये जो किचन का कैबिनेट है कितना अच्छा लगने लगा है। पहले आपने इसका लुक देखा ही था, कितने दाग धब्बे थे इसमें, और अब देखिए इसका ये न्यू लुक है। करती हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। और ये है इसके किचन कैबिनेट का ये पार्टीशन जो कि बीच में लग जाता है, और ये भी अब अच्छे से ड्राई हो गया है। तो ये जो कैबिनेट है इसे मैंने कर लिया है रेडी, और भी मैंने कैबिनेट इसी तरीके से रेडी किए हैं तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये एक और कैबिनेट है और इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से पेंट कर लिया है। तो अब ये देखिए बिल्कुल भी ये गंदा नहीं लग रहा है, और ये भी उसी तरीके से ही गंदा था जैसे कि वो कैबिनेट गंदा था। और अब देखिए ये भी कितने अच्छे से क्लीन लग रहा है। और यहाँ पे मैंने एक और कैबिनेट है इसको भी मैंने पेंट कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी किचन का मेकओवर तो कर लिया है, और अगर आप भी अपनी किचन का मेकओवर कर रहे हैं तो देर मत करिए, जल्दी से किचन का मेकओवर कर लीजिए। और इस तरीके से फेस्टिवल की तैयारी में मैंने अपनी किचन को कर लिया है तैयार। तो आप भी अपने किचन को करिए तैयार और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और ये देखिए ये बर्तन का स्टैंड है जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं वॉल पे लगवा लूँगी अपने हस्बैंड से। तो यहाँ पे ये लग चुका है और अब आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे लगाने से जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी काफ़ी स्पेस अब मिल गया है मुझे और चीज़ों को रखने का। तो और हाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि बर्तन के स्टैंड की क्लीनिंग का वीडियो भी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ये मेरी किचन मेकओवर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर।